वेलकम टू माय चैनल सुजू फूड एंड फन। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक बहुत यमी सी रेसिपी बनाएंगे, वो भी राइस और टोमेटो से। वो है टोमेटो भात, या आप कह सकते हैं टोमेटो राइस। आज मैं इसे कढ़ाई में बनाऊंगी। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, बट ये कढ़ाई में बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये मेरे स्टाइल में बनाया हुआ रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप टोमेटो राइस कैसे बनाते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, ये रेसिपी जो मैं आज बनाने वाली हूँ वो आपको सरप्राइज लगेगा कि मैंने इसे अपने हस्बैंड शिव से सीखा है। और ये वो इंसान है जो कि खाना बनाना कभी आता ही नहीं है, बट इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे ये सिखाया और मैंने ये करके आपको प्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं टोमेटो राइस की रेसिपी। बट हाँ, इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कुछ दिन पहले मैंने एक रेसिपी बनाई थी, वो थी सोया चिंग्स पुलाव की। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो मैं इसे ऊपर आई बटन में आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है, तो आप भी इसे देखकर जरूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं टोमेटो राइस की रेसिपी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने एक अनियन स्लाइस करके इसे मैं फ्राई कर देती हूँ जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। इसे हम ब्राउन होने के बाद अलग से निकाल कर रख देंगे एक प्लेट में, और उसे हम लास्ट में गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनियन पूरी तरह से अच्छे से ब्राउन हो गया है। चलिए इसे अब एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो इसे आप अच्छे से एक प्लेट में निकाल दें। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया, साथ में सारे खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें मैंने दालचीनी, इलायची और लौंग का इस्तेमाल किया है। तो वो थोड़ी सी आप तेल में फ्राई कर लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 2 अनियंस छोटे छोटे चॉप कर दिए हैं, अब उसे भी आप डाल दें। तो आप चाहें तो 2 से 3 अनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके राइस के क्वांटिटी के हिसाब से। इसे भी हम थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जिंजर और 2 मिर्ची का इस्तेमाल किया है और उसे मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें 1 टीस्पून गार्लिक यानी कि लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। अदरक और लहसुन को आप अच्छे से फ्राई कर दें ताकि इसका कच्चापन चला जाए। मैंने यहाँ पे 2 गाजर का इस्तेमाल किया है, उसे भी आप बहुत ही छोटा छोटा सा चॉप करके इसमें आप डाल दें और ऑयल में इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर दें। याद रखें, गैस की फ्लेम जो रहेगी वो मीडियम लो ही रहनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 आलू, उसे भी छोटे पीसेस में कट करके इसमें अब मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 6 से 7 टमाटर टोमेटोस का इस्तेमाल किया है, अब हम उसे इसमें डाल देते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला अलग से, अगर पाउडर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे खड़े मसाले ऑलरेडी डाले थे। नमक डालते हैं आप 1.5 टीस्पून, मैं यहाँ पे नमक डाल देती हूँ। तो 1.5 कप के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक डाला है। इन सबको हम अच्छे से थोड़ा फ्राई करके इसे अब थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए ढक देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर बाद मिला देंगे और टोमेटोस को थोड़ा मैश कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप राइस, उसे पानी में 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, अब इसे भी मैं इसमें कढ़ाई में डाल देती हूँ।
डाल करके सब चीज़ों को आप मिला के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं। तो आधा घंटे के लिए मैंने इसे कुक करने के लिए छोड़ रखा था। तो आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले राइस बन गए हैं। तो टोमेटो भात रेडी है और कितना यमी लग रहा है। इसके ऊपर से मैंने धनिया पत्ता से गार्निश कर दिया। यहाँ पे मैंने घी में 2 टीस्पून घी में थोड़े से कैश्यू नट रोस्ट कर दिए थे, इसे भी मैं ऊपर से डाल देती हूँ। स्टार्टिंग में जो हमने अनियंस को फ्राई किया था गोल्डन ब्राउन करने के लिए जो किया था हमने, उसे भी हम इसे ऊपर से डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से गार्निश कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट में इसे सर्व किया है और इसे अनियन और टोमेटो के साथ इसे गार्निश किया है। साथ में मैंने एक अनियन का रायता बनाया है। आप भी इसे अपने पसंदीदा किसी भी रायते के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।